जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है हमारा फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सारे टॉपिकों का हम लोग ऑपरेशन करके समझेंगे जो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी थ्योरी क्लासेज हुए हैं वो सभी आप लोगों के कंप्यूटर पर आधारित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे भी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वह है एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, चलिए इसको समझते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को क्रियान्वित करने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे निर्देशों में बांटा जाता है। इन निर्देशों को सही क्रम में क्रियान्वित कर वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एल्गोरिथम जो है किसी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए बनाई गई चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाओं का समूह है। ठीक है, वह किसी प्रोग्राम के निर्माण में आवश्यक लॉजिक है जो समस्या के समाधान के लिए सीढ़ी का निर्माण करता है। इस प्रकार जो है एल्गोरिथम छोटे छोटे अनुदेशों का समूह है जिसे निर्धारित क्रम में संपादित किए जाने पर वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक ही कार्य को संपादित करने के कई एल्गोरिथम हो सकते हैं। प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने से पूर्व सर्वाधिक उपयुक्त एल्गोरिथम का चुनाव करना पड़ता है। कंप्यूटर एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए फ्लो चार्ट के बारे में जानते हैं। जो फ्लो चार्ट क्या होता है, तो एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के अनुदेशों के लिए अलग अलग चित्रों का प्रयोग किया जाता है तथा इसके अंदर संक्षिप्त अनुदेश लिखे रहते हैं। तीर के निशान वाले लाइनों से अनुदेशों के क्रियान्वयन की दिशा बताई जाती है। इसमें प्रोग्राम लिखना आसान होता है तथा गलतियाँ सुधारना भी सरल होता है। फ्लोचार्ट में प्रोग्रामिंग भाषा की बारीकियां शामिल नहीं होती है। ठीक है, अतः प्रोग्रामर का पूरा ध्यान समस्या के समाधान के लॉजिक पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोचार्ट के चिन्ह के बारे में समझते हैं हम लोग, साइन ऑफ फ्लो चार्ट चिन्ह। ठीक है, जो फ्लोचार्ट का चिन्ह किस तरह का होता है, तो ANSI यानी ANSI इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, द्वारा निर्धारित फ्लो चार्ट है। पहला हमारा है टर्मिनल। ठीक है, तो यह अंडाकार चिन्ह है जो प्रक्रिया के आरंभ यानी स्टार्ट और अंत स्टॉप या विराम पॉज के लिए प्रयुक्त होता है। किसी फ्लो का चार्ट में पहला और अंतिम चिन्ह टर्मिनल ही होता है। ठीक है, चलिए इनपुट आउटपुट के बारे में समझते हैं। यह समानांतर चतुर्भुज का चिन्ह है जो इनपुट, ठीक है, रोड या आउटपुट प्रिंट आदि को दर्शाता है। तीसरा हमारा है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेसिंग। यह आयताकार चिन्ह है जिसमें प्रोसेसिंग के निर्देश या सूत्र होते हैं। चौथा हमारा है निर्णय यानी कि डिसीजन। यह तार्किक क्रिया को दर्शाता है। इसमें तर्क या प्रश्न और उनके परिणाम हाँ या ना दिखाए जाते हैं। इस बिंदु पर प्रोग्राम में एक या अधिक विकल्प संभव होते हैं। ठीक है, हमारा अगला है फ्लो लाइन। ठीक है, फ्लो लाइन के बारे में जानते हैं। तो तीर के चिन्ह वाली रेखाएं फ्लो चार्ट के प्रवाह की दिशा बतलाती हैं। फ्लो चार्ट सामान्यतः ऊपर से नीचे तथा बाएँ से दाएँ यानी कि टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, चलिए कनेक्टर के बारे में समझते हैं। कनेक्टर क्या होता है, तो फ्लो चार्ट अगर एक पृष्ठ से बड़ा हो तो उसे अगले पृष्ठ पर कनेक्टर की सहायता से जोड़ा जाता है। पिछले पृष्ठ के अंत में अंदर आती रेखा जबकि अगले पृष्ठ के बाहर
प्रारंभ में बाहर जाती रेखा दिखाई जाती है। ठीक है, सूडो कोड के बारे में हम लोग समझते हैं, जो सूडो कोड क्या होता है, तो यह किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने का एक तरीका है। इसमें फ्लो चार्ट की तरह चिन्हों का प्रयोग न कर प्रोग्राम और उसके तर्कों को बोलचाल की साधारण और संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। इसे मानव भाषा यानी ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी समझा जाता है। इसमें समय कम लगता है तथा पूरा ध्यान प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने पर होता है। सूडो कोड को प्रोग्राम की भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना आसान होता है। इसे बनाने में फ्लो चार्ट की अपेक्षा कम समय व मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाओं को हम लोग समझते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा किसी वांछित कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पर होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का समूह है जिसे किसी खास कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग, ठीक है, कहते हैं। प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला व्यक्ति प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है, प्रोग्राम भाषा को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मशीनी भाषा, दूसरा है असेंबली भाषा, तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मशीनी भाषा जो है हमारा, यानी कि मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो केवल ऑन, एक या ऑफ, जीरो की पहचान कर सकता है। इसे बाइनरी अंकों यानी कि एक या जीरो द्वारा निरूपित किया जाता है। कंप्यूटर मशीन ऑन या ऑफ को समझ सकता है, अतः बाइनरी अंकों एक या जीरो में लिखे भाषा को मशीन भाषा कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक विशिष्ट मशीनी भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी और प्रोसेसर की डिजाइन पर निर्भर यानी मशीन डिपेंडेंट होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर मशीन भाषा को सीधे समझ सकता है तथा क्रियान्वित कर सकता है, अतः मशीन भाषा के लिए किसी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती तथा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की गति भी तेज होती है। परंतु मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन होता है तथा त्रुटियां भी अधिक होती है। ठीक है, मशीन भाषा के दो भाग होते हैं। पहला भाग कमांड या ऑपरेशन कोड कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, और दूसरा भाग ऑपरेंड कहलाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की स्थिति यानी लोकेशन को बतलाता है। चलिए मशीन भाषा के लाभ हम लोग देखते हैं, तो मशीन भाषा के क्या लाभ हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मशीन भाषा के लाभ। तो मशीन भाषा के क्रियान्वयन के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मशीन भाषा में प्रोग्राम के लिए क्रियान्वयन की गति तेज होती है। ठीक है, चलिए मशीन भाषा की कमियाँ हम लोग समझते हैं, जो क्या होता है मशीन भाषा की कमियाँ क्या क्या है। तो पहला जो है मशीन भाषा की कमियां, वह है अलग अलग कंपनियों के प्रोसेसर का आंतरिक डिजाइन अलग अलग होता है, अतः एक ही कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम की जरूरत होती है। तात्पर्य यह कि मशीन भाषा मशीन के प्रकार पर निर्भर होती है। ठीक है, दूसरा जो मशीनी भाषा की कमियां है वह है मशीन भाषा में प्रोग्राम तैयार करना कठिन होता है तथा गलतियों की संभावना भी अधिक होती है। ठीक है, तीसरा जो हमारा से कमी है मशीन भाषा का, वह है मशीनी भाषा में गलतियों में सुधार करना भी कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए असेंबली भाषा को समझते हैं हम लोग, असेंबली लैंग्वेज को। इसे निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इस भाषा में अक्षर व अंकों से बना न्यूमेरिक कोड यानी न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, डाटा को मेमोरी में लोड करने के लिए LD। अलग अलग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेज में न्यूमेरिक कोड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, प्रयोग से पूर्व उस सॉफ्टवेयर के असेंबलर द्वारा इस भाषा को मशीन भाषा में बदला जाता है। असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है।
जब इसे असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में बदल दिया जाता है तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, चलिए असेंबली भाषा का तो हम लोग हानि देख लिए, अब लाभ देखते हैं। ठीक है, असेंबली भाषा बोलचाल की भाषा के करीब है, अतः इस भाषा में प्रोग्राम लिखना मशीन भाषा की अपेक्षा सरल होता है। दूसरा है, असेंबली भाषा के प्रोग्राम में गलतियां खोजना और उन्हें ठीक करना मशीन भाषा की अपेक्षा आसान होता है। ठीक है, चलिए असेंबली भाषा की कमियों को हम लोग समझते हैं। तो असेंबली भाषा कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार पर निर्भर करता है, अतः इस भाषा में लिखे प्रोग्राम मशीन के ऊपर यानी मशीन डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा है हमारा असेंबली भाषा की कमियां, वह है अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए असेंबलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा जो कमियां है वह है असेंबली भाषा में प्रोग्राम के क्रियान्वयन में मशीन भाषा की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा में जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था वह मशीन भाषा था, दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा जो था हमारा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज वह असेंबली भाषा था, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो हमारा था वह उच्च स्तरीय भाषा था, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हम लोगों ने डोमेन आधारित भाषा, ठीक है, यानी डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया था, और पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा यानी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग AI भी कहते हैं उसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए उच्च स्तरीय भाषा को हम लोग समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को। तो इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। यह बोलचाल व लेखन में प्रयुक्त भाषा से काफ़ी करीब है, अतः उप प्रयोक्ता के लिए इसे समझना आसान होता है। इस भाषा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में आसानी से किया जा सकता है। इस भाषा पर कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रयोग से पहले इस भाषा को कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, C++, कोमल, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, C#, ठीक है, लिप्स, ये सभी जो है हमारे उच्च स्तरीय भाषा है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ लाभ भी हैं यानी उच्च स्तरीय भाषा के कुछ लाभ भी हैं। सबसे पहला लाभ जो है वह है उच्च इस भाषा में लिखा सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है उच्च स्तरीय भाषा मशीन के प्रकार पर निर्भर नहीं होती है, अतः इसे मशीन इंडिपेंडेंट भाषा कहते हैं। तीसरा हमारा है यह भाषा सीखने में आसान है तथा प्रोग्राम लिखना व पढ़ना सरल है। उच्च स्तरीय भाषा बोलचाल की भाषा के करीब होती है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में कुछ कमियां भी है। ठीक है, जिस तरह हर चीज़ में कुछ खासियत होता है कुछ कमियां होता है, उसी तरह हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में भी कुछ कमियां हैं। जैसे पहला है उपयोग से पहले कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है, और दूसरा है प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं कि फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है जिसका विकास 1957 में IBM कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो फोर्ट्रॉन का आविष्कार जो है किसने किया था, तो IBM कंपनी के द्वारा जॉन बेकस ने कब किया था, 1957 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी पीढ़ी की भाषा में। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज समझते हैं। यह एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसे कार्यान्वित करने के लिए निर्देशों की संख्या कम होती है। यह भाषा बोलचाल भाषा के ज़्यादा करीब है, इसमें प्रोग्राम लिखना आसान और तीव्र है। ठीक है, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा एक डोमेन आधारित लैंग्वेज है भाषा है। ठीक है, इसका प्रयोग डाटाबेस प्रबंधन, वेब आधारित संरचना के विकास आदि में किया जाता है।
चौथी पीढ़ी की भाषा प्रोग्रामरों के लिए आसान है, जिसमें आइकन तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी की भाषा के उदाहरण है SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज आदि। ठीक है, चलिए पांचवी पीढ़ी की भाषा हम लोग समझते हैं। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में किसी समस्या के समाधान के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग न कर के समाधान में आने वाली बाधाओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाली तार्किक अवस्थाओं यानी लॉजिकल कंडीशन का उपयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी के भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा तार्किक प्रोग्रामिंग लॉजिकल प्रोग्रामिंग के लिए होता है। लिप्स यानी LIPS लिस्ट प्रोसेसिंग तथा प्रोलॉग पांचवी पीढ़ी के भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स रूल हम लोग समझते हैं। सिंटैक्स रूल क्या होता है? तो बोलचाल की प्रत्येक भाषा में शब्दों और चिन्हों के प्रयोग के लिए व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी शब्दों और चिन्हों के प्रयोग के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें सिंटैक्स रूल कहा जाता है। सिंटैक्स एल्गोरिथम के तार्किक चरणों यानी लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करता है। कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित भाषा के नियमों को समझ पाता है तथा इनका अनुपालन नहीं करने पर प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय सिंटैक्स एरर देता है। ठीक है, चलिए रिजर्व वर्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। जो रिजर्व वर्ड्स क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वह शब्द जिसका प्रयोग प्रोग्राम बनाते समय चर यानी वेरिएबल के रूप में नहीं किया जाता है, रिजर्व वर्ड्स कहलाता है। सामान्यतः रिजर्व वर्ड का प्रोग्रामिंग भाषा के सिंटैक्स में कोई अलग व विशेष अर्थ होता है, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए रिजर्व रखा जाता है। प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा में रिजर्व वर्ड की सूची अलग अलग हो सकती है, इसे कीवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग फोर्ट्रॉन के बारे में पहले समझेंगे। जो फोर्ट्रॉन क्या है? तो यह फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। इसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है, जिसका प्रयोग जो है वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने तथा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया गया। फोर्ट्रॉन बीजगणित, ठीक है, यानी कि अलजेब्रा पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। 1986 में ANSI, ठीक है, ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने फोर्ट्रॉन भाषा का मानकीकरण किया। इस प्रकार फोर्ट्रॉन पहली मानक भाषा बन गई। ठीक है, लोगों के बारे में समझते हैं। लोगों क्या होता है? वो लोग नहीं जो आम आदमी होता है, वो लोगों के बारे में नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, ये कंप्यूटर के भाषा का लोगो है। ठीक है, तो अमेरिका के सीमोर पेपर्ट द्वारा विकसित इस भाषा का उपयोग कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए कोबोल के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाली भाषा है। कोबोल भाषा में निर्देश यानी कमांड और वाक्य की रचना सेंटेंस स्ट्रक्चर अंग्रेजी भाषा के समान है। इस भाषा को पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में बांटा जाता है। इसे ANSI कोबोल कंपाइलर के साथ किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर चलाया जा सकता है। कोबोल का एक संस्करण विजुअल कोबोल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP ऑब्जेक्टेड प्रिंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, चलिए बेसिक के बारे में हम लोग जानते हैं। जो बेसिक क्या होता है? यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक्स इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, चलिए बेसिक को हम लोग समझते हैं। शॉर्ट में इसको बेसिक ही बोलते हैं, इसका लंबा नाम है। यह एक लोकप्रिय व सरल प्रोग्राम भाषा है, जिसका विकास 1964 में प्रोफेसर जॉन केमेनी तथा थॉमस कुर्टज ने किया। यह पर्सनल कंप्यूटर व्यवहार में लाए जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। इसका प्रयोग गणितीय और व्यावसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसकी सरलता के कारण इसका प्रयोग प्रशिक्षुओं
को भाषा की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित क्विक बेसिक तथा विजुअल बेसिक एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, पास्कल के बारे में हम लोग जानते हैं, जो पास्कल क्या होता है। तो इस भाषा का विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकलॉस वीर्थ द्वारा किया गया। इसका नामकरण कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया। इस भाषा का प्रयोग प्रशिक्षुओं में प्रोग्रामिंग की अवधारणा स्पष्ट करने में किया गया, अतः इसे शिक्षा परक भाषा यानी कि एजुकेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मान लीजिए प्रश्न में पूछ देगा आपको जो पास्कल का जो है आविष्कार किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था और कहाँ किया था, तो 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकलॉस वीर्थ द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी और सी प्लस प्लस के बारे में समझते हैं, जो यह क्या होता है। तो इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 में बेल लैबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंगहम द्वारा किया गया। इसका विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया। यह सामान्य कार्य के लिए प्रयुक्त भाषा है। इसमें सोर्स प्रोग्राम छोटा और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसका कंपाइलर सभी प्रकार के कंप्यूटर में कार्य कर सकता है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह बोलचाल की अंग्रेजी भाषा के करीब है। हालांकि यह भाषा संक्षिप्त और सशक्त है, पर यह एक कठिन भाषा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए जावा के बारे में हम लोग समझते हैं, जो जावा क्या होता है। तो इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन माइक्रो सिस्टम ने जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया। यह सी प्लस प्लस की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, पर इसकी अपेक्षा छोटी और सरल है। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पादों जैसे टीवी, टेलीफोन आदि में भी किया जाता है। एनिमेशन आधारित वेब पेज, शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है, तथा खेल आदि के विकास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में कंपाइल किया गया कोड मशीन के प्रकार पर निर्भर करता है, नहीं करता है। ठीक है, चलिए अलगोल के बारे में हम लोग जानते हैं, अलगोल क्या होता है। तो इस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग बीज गणितीय गणनाओं में किया जाता है। जी हाँ, अलगोल का जो प्रयोग है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का, वो हम लोग गणितीय गणनाओं में, बीज गणितीय गणनाओं में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोमल के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोमल का फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, तो इस भाषा का प्रयोग मध्य स्तरीय छात्रों के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रोलॉग के बारे में हम लोग समझते हैं, प्रोलॉग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक होता है इसका फुल फॉर्म। इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है। इसे कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा तार्किक प्रोग्रामिंग लॉजिकल प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी शार्प के बारे में हम लोग समझते हैं, जो सी शार्प क्या होता है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट के प्रयोग के लिए किया। यह भाषा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ECMA तथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के मानकों द्वारा मान्यता प्रदत्त है। ठीक है, RPG के बारे में समझते हैं, क्या होता है। रिपोर्ट प्रोग्राम जेनरेटर के बारे में, यह समान व्यावसायिक कार्यों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई भाषा है। यह एक सरल भाषा है, जिसका प्रयोग छोटे व्यावसायिक कंप्यूटर में किया जा सकता है। इस भाषा का विकास IBM कंपनी द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग लिप्स के बारे में जानते हैं, जो लिप्स क्या होता है। LISP लिस्प, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो लिस्ट प्रोसेसिंग का जो विकास है 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग में किया गया।
यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकी डाटा यानी नॉन स्टैटिकल डाटा के प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग में किया जाता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सब प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, यह किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया ऐसा छोटा प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किसी अन्य कार्य या प्रोग्राम में बिना किसी परिवर्तन के किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपनी सुविधा के अनुसार किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सब प्रोग्राम को जोड़ सकता है। इस प्रकार उसका पूरा ध्यान प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य पर ही टिका रहता है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तत्वों को हम लोग जानते हैं। जो सभी उच्च स्तरीय भाषा जो है यानी हाई लेवल लैंग्वेज में अंग्रेजी वर्णमाला के ए टू जेड तथा इंडो अरबिक अंक यानी 0, 1, 2 से 9 तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी थे हमारे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप लोग के इस चैप्टर से थे। ठीक है, आगे का जो हमारा वीडियो रहेगा वो और भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और भी बहुत सारे टॉपिकों को हम लोग चैप्टर वाइज लेके आएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये वीडियो था, ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 से फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं से। तो हम लोगों ने देखा फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाओं से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करके हम लोगों ने समझा जो इसे कैसे हल करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।